अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। मैं दिलीप और आप देख रहे हैं दिलीप भरवा ब्लॉग्स। आज हम बात करने वाले हैं सऊदी की तीन अपडेट आई है आज, तो उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो अपडेट शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसा ही अपडेट आगे डालूँ तो सबसे पहले पहुँचे आपके पास। और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए कि क्या है अपडेट। तो बात है खुशखबरी की, जिसका हम लोगों का बहुत दिनों से इंतज़ार था कि ये वक्त कब आएगा कब आएगा। तो बात कर लेते हैं, आज सेकेंड डोज वैक्सीन की खुशखबरी है, जो कि आज ही ये अपडेट आया है। 11 तारीख है आज, 11 जुलाई को ये अपडेट आया है कि आज जो है कोई भी लोग वैक्सीन ले सकते हैं, किसी भी उम्र का लोग जो है सो वैक्सीन ले सकते हैं। तो सेकेंड डोज वैक्सीन का हम लोग इंतज़ार कर ही रहे थे कि ये वक्त कब आएगा कब आएगा, फाइनली आ ही गया ये खुशखबरी। तो आज ये ऐलान कर दिया गया है, चाहे आप कोई भी उम्र के हो, 18 हो या 20, 30 हो या 40, चाहे आप जिस उम्र के भी है वैक्सीन ले सकते हैं। तो अब आप सेहत एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हैं या तोकलना से भी कर सकते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि सेहती से जब भी अप्लाई करते हैं तो एरर आ जाता है, तो उन भाई से मैं बताना चाहूँगा कि जब भी एरर आता है तो आप या तो उनको अपडेट कीजिए, कहीं अपडेट मांगता होगा, और अपडेट नहीं मांग रहा है तो आप उसको डिलीट कर दीजिए और फिर से इंस्टॉल कीजिए, फिर से लोड कीजिए यानी। और सेहत एप्लीकेशन को अगर आप डिलीट कर दिए हैं और फिर से लोड किए हैं और फिर भी नहीं हो रहा है अप्लाई, तो आप तोकलना से अप्लाई कर लीजिए। तोकलना से जो है अप्लाई हो जा रहा है। अगर अप्लाई करने का मालूम नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो अप्लाई कैसे होता है इसके ऊपर मैं बनाऊंगा। और अभी जो भी मैं बताया हूं तो सबूत के साथ है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, सऊदी गजट का ये स्क्रीनशॉट है, वो आप देख सकते हैं कि सबूत के साथ है। ऐसे कोई फेक न्यूज़ नहीं है जो मैं फेक न्यूज़ बताऊँगा, ये सही न्यूज़ है। अब अगला और दूसरा अपडेट है बैंक के हवाले से। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ईद अल उदा के मौके पर कर्मचारियों को 11 दिन की छुट्टी। तो सऊदी अरब में जितने भी कर्मचारी हैं सभी को 11 दिन का छुट्टी होने वाला, जो कि ये बुधवार 14 जुलाई से लागू हो जाएगा। तो जो लोग अपने घर पैसा भेजने वाले हैं वो लोग पैसा भेज ले, क्योंकि बैंक 10 दिन के लिए बंद रहने वाला है। जो भाई लोग मोबाइल से पैसा भेजते हैं, एसटीसी पे हो गया या तहवील अल अराजी हो गया, उससे पैसा भेजता है तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी भी भेज सकते हैं। प्रॉब्लम उन लोगों को होने वाला है जो लोग मोबाइल से पैसा भेजने का अभी तक नहीं जानते हैं, उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो वो लोग जल्दी से जल्दी पैसा अगर भेजना चाहते हैं तो अपने घर भेज सकते हैं 14 तारीख के अंदर। और अब बात कर लेते हैं तीसरा और लास्ट अपडेट, जो कि कोरोना के हवाले से है। तो आज है 11 जुलाई 2021, और आज का न्यू केस जो निकला है 1112, और वही रिकवरी हुआ है आज 1189, और आज इंतकाल करने वाले की संख्या है 13। और बात कर ले सिटी का, तो आज जो है मक्का में 260 निकला है, एस्टर्ड में 209, अशेर में 196, रियाद में 193, मदीना में 51, हाइल में 44, जजान में 40, अलवाह में 37, नजरान में 29, अलकसीम में 26, तबुक में 17, नॉर्थ बॉर्डर में 7, अलजौफ में 3। वही बात कर ले अब तक सऊदी अरब में टोटल कोरोना कितना निकला है, तो 5,01,195। वही टोटल अभी तक रिकवरी जो हुआ है 4,82,414। अब तक इंतकाल करने वाले की संख्या है 7,976। वही एक्टिव केस अब बचा है 10,805, और अभी क्रिटिकल कंडीशन जो आईसीयू में भर्ती है वो 1,418। तो यही था आज का अपडेट, जो मुझे लगा कि ज़रूरी है आप लोग को बताना, तो वही हम बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने भाई को सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।